इस बीच बहुत सारी नॉलेजेस आप लोग को शेयर की जा सकती है, ठीक है। बाकी गाइस आपको आगे और क्या चाहिए, क्या करना है, ट्रेडर्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो पे। और ट्रेडर्स आज वाले वीडियो पे हम बात करने वाले हैं, जो प्रीवियस वीडियो पे मैंने आप लोगों को बताया था टॉप 5 इंडिकेटर्स के बारे में, उसमें से मोस्ट ऑफ द कमेंट्स ये निकल के आ रहा था कि सर सिंगल इंडिकेटर पे बताओ या फिर किसी सिंगल स्ट्रेटजी जैसे कि MACD हो गया या फिर स्टॉकस्टिक हो गया, इन सब के बारे में बताओ। ओके, सो आज की वीडियो बेसिकली इसी पे डिपेंड है, ठीक है। वो आपको आगे पता चल जाएगा कि किस स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करेंगे। ओके, वीडियो पे सीधा आगे चलते हैं गाइज। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आएगा उसे प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए। बिकॉज आप लोग को जैसे कि पता है हमने ट्यूजडे को लाइव किया था यूट्यूब पे, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया और जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पे मेरे को कुछ डॉलर्स का लॉस हो गया था। ओके, सो मैंने उसको पब्लिक सेशन के दौरान कवर किया गाइस। कि अगर अभी तक आप पब्लिक ग्रुप से ज्वाइन नहीं हो तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे और फर्स्ट कमेंट पे प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। पब्लिक ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, वहीं से जाके ज्वाइन करें। कहीं पर भी जाके हमारा नाम या फिर कुछ भी चीज़ सर्च ना करें। इंस्टा पे फॉलो नहीं करा उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी दिख रही होगी, प्लीज़ आप लोग सिर्फ और सिर्फ लिंक का प्रयोग करें। ओके, एंड जिन भी लोगों ने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं करा है तो उसके लिए भी मैंने स्पेशल लिंक्स नीचे प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको प्रोमो कोड चाहिए तो आप ये वाला प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हो, DMD30। ओके, ये आपको बोनस प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमने कुछ ट्रेड्स ओपन किया था, ये हमारे पब्लिक सेशन के दौरान के रिजल्ट्स हैं। डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा पब्लिक ग्रुप का जो भी पोर्टफोलियो है, जो भी चार्ट है, ठीक है। तो आप पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करके भी एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो गाइस हम बात करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ MACD के ऊपर। हमने 2-3 वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, अगर आपने चेक नहीं करा तो प्लीज़ आप सबसे पहले चैनल पे विजिट करके चेक कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमें जाना है ऑस्किलेटर वाले सेक्शन पे, देन यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है MACD, ठीक है। तो कई लोग इसको MACD बोलते हैं, बट ये MACD वगैरह नहीं है, ये MACD है, ठीक है। अब इसकी सेटिंग कई लोगों में, जब वो आप स्टार्टिंग ऑन करोगे ना तो आपके में ऐसा आएगा, ठीक है। तो इसको हमको करना है चेंज, जो हिस्टोग्राम है, जो एरिया चार्ट पे है, उसको अपने को कर देना है गाइस कैंडल्स पे, ठीक है। कैंडल्स पे करने के बाद आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई भी कलर पे जो आपको बेटर लगे, ठीक है। आप देख लीजिए कि आपको किस में ज़्यादा बेटर आई स्कैच हो रहा है, ठीक है। और आई स्कैच तो अपना येलो ही है, तो आप येलो यूज़ कर सकते हो। देन ये हो गया गाइस हमारा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो सिग्नल लाइन है और जो MACD लाइन है उसको क्रॉस कर देना है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि एक्चुअल में ये चीज़ क्या है, ये जो आपको येलो चीज़ दिख रही है ये है गाइस हमारा MACD का कैंडल चार्ट। यहाँ पे जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है ये है हमारा MACD लाइन, और यहाँ पे जो आपको रेड कैंडल दिख रही है ये है गाइस हमारा सिग्नल लाइन। ओके, सो सिंपली सा गाइस आपको सिर्फ इतना समझना है, जब ग्रीन कैंडल क्रॉस करे रेड कैंडल को, जिस भी डायरेक्शन में क्रॉस करेगी उस डायरेक्शन पे आपको ट्रेड ओपन कर देना है 1-3 मिनट का, ठीक है। मिनिमम आपको ट्रेड ओपन करना है 2 मिनट का, मैक्सिमम आपको ट्रेड ओपन करना है 4 मिनट का, 4 मिनट से ज्यादा नहीं, 2 मिनट से कम नहीं। बिकॉज 1 मिनट के चार्ट अगर आप उठा के देखो तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है और उसमें लॉस के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर आपको सेफली ट्रेड्स लेना है तो फिर आपको 2-3 मिनट की ही ट्रेड पे जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे गाइस मैंने 25,000 का ट्रेड ओपन किया है, एंड अगर प्रॉफिट होता है तो 20,500 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ और कंफर्मेशंस के बारे में बात करेंगे, इससे प्रीव्यूज जाएगा इस। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे MACD की जो लाइन है उसने क्रॉस किया सिग्नल लाइन को डाउनवर्ड पे, और उसको छोड़े तो फिर यहाँ पे हमारा जो MACD का हिस्टोग्राम है वो भी डाउन के लिए डायरेक्शन देना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ से भी एक कंफर्मेशन ले सकते हैं। सो आज की जो हमारी फर्स्ट ट्रेड थी वो प्रॉफिट में जा चुकी है, 20,500 हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है। अब हम चाहे तो यहाँ से निकल सकते हैं और यहाँ से चाहे तो और कुछ ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो कहीं जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कहीं पर भी जाके हमारा नाम या फिर कुछ भी चीज़ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिंक हमने प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। बिकॉज बहुत सारी फेक आईडीज़ बन चुकी है, आप लोग को लगता है वो हम है बट वो हम नहीं है,
ठीक है, एमएसडी का जो चार्ट है उस पर मैं एक और कंफर्मेशन दे दूं, जब भी मार्केट अपने आप को चेंज करेगी आपको एमएसडी के लाइंस में छोटापन दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ये धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी एक कंफर्मेशन लगा सकते हो कि हाँ एक्चुअल में होता है, और जब मार्केट क्रॉस करेगी तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इसका जो पॉइंट है वो क्या है। मैंने यहाँ से थोड़ा सा टाइम तो मिस कर दिया, मैं यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, मैं जस्ट यहाँ से 2000 की ट्रेड ओपन करूँगा डाउनवर्ड पे, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से मुझे कंफर्मेशन है कि मार्केट डाउन जाएगा। कई लोग क्या बोलते हैं कि सर हम जब ट्रेड ओपन करते हैं तो वहीं से मार्केट रिवर्स चला जाता है, मतलब उसके अपोजिट चला जाता है, ठीक है। तो आप पहले देख लो कि आप किस पॉइंट पे ट्रेड ओपन कर रहे हो, ठीक है ना, आपको क्या दिखता है, ये अप और डाउन दिख रहा है बस, और ये कैंडल दिख रहा है बस, आपको उसके बाद कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है गाइस, ओके। मैंने यहाँ पे बीच में ट्रेड ओपन करा, क्यों ओपन करा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे zigzag parabolic अप्लाई करता हूँ तो फिर मुझे कंफर्मेशन तो मिलेगा ही मिलेगा जो मैं zigzag parabolic के लिए यूज़ करता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला, जब भी मार्केट चेंज होगा, जब भी मार्केट चेंज करेगा अपने लेवल को, ये तो क्रॉस कर रहेगा, इसी तो मेरा ट्रेड लेने की बात की है, बट हिस्टोग्राम पे आपको छोटापन दिख रहा है, ओके। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि हिस्टोग्राम पे आपको छोटापन, तो आप वहां से ट्रेड्स ओपन कर सकते हो, ओके। और पॉइंट देख लो, मैंने यहाँ पे किस पॉइंट पे ट्रेड ओपन करा गई, 1708, ठीक है ना, 1708 पॉइंट पे मैंने ट्रेड ओपन करा और ये भी मेरा प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट गाइज ये 20,500 पकड़ लीजिए और ये पकड़ लीजिए, मतलब कि 22-23,000 तक का मेरा प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। अब जब मैंने मार्केट में प्रॉफिट बुक कर लिया तो मेरा टारगेट है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखोगे गाइस, तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस और ये हमारा हो गया सपोर्ट इस लेवल पे, तो चांसेस है कि मार्केट इस लेवल पे आके अपवर्ड जाए, ठीक है। 1707.997 ये पॉइंट है, चांसेस है कि यहाँ से मार्केट इसको टच करके वापिस अप ट्रेंड पे जाए, ठीक है ना। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। एंड आई एम सो सॉरी कि मैंने आप लोग का दिया हुआ चैलेंज लाइव आके कंप्लीट नहीं कर पाया, बिकॉज गाइज लाइव में आप लोग का प्रेशर रहता है। मैंने आप लोग को पहले ही वॉर्न किया था कि आप में से कोई भी ट्रेड ओपन नहीं करेगा, बट आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहा है कि सर मैंने ये लूज़ कर दिया, मैंने ये विन कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, उसकी वजह से मुझे और प्रेशर फील हुआ, जिसकी वजह से मैंने वो वाला टारगेट अचीव नहीं कर पाया, ओके। बट आगे चल के ज़रूर मैं ये आप लोग के सामने लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंट बूस्टअप होने दो, क्योंकि हमें आदत है कि हम आराम से ट्रेड्स लेते हैं, ओके गाइस, ऐसा नहीं कि आए और ट्रेड बता दिए। इस पर भी आप टाइम डिफरेंस देख सकते हो, ये वाला ट्रेड हमने ओपन करा था गाइस 8:07 पे, ओके, ये वाला ट्रेड हमने ओपन किया 8:07 पे ओपन करा, ये हमने ओपन किया 8:02:28 पे, ठीक है। तो हम ट्रेड पे टाइम लेते हैं गाइस, ओके, ऐसा नहीं कि हम आ रहे हैं फट से ट्रेड ओपन कर दे रहे, नहीं। यहाँ पे गाइस इसने अपना इसको सपोर्ट बना लिया है, तो जाहिर से बात है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी। एमएसडी का जो चार्ट है उसको भी आप चेक कर सकते हो कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेड आपको बता रही है। एमएसडी की लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया अप डायरेक्शन पे, ठीक है। तो ये भी कंफर्मेशन है, मतलब आपको 3 से 4 कंफर्मेशन तो मिल रही है। अगर मैं यहाँ से सपोर्ट को उठाऊं तो सपोर्ट से तो इसको मार्केट को अप जाना ही था, मैंने यहाँ से ट्रेड लेट ओपन किया, ठीक है, क्योंकि 111.2193 इस पे इसका जो बाइंग डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब कि मार्केट इस डायरेक्शन पे आने के बाद जो बायर्स हैं वो ही बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं, और बायर्स में मतलब इस प्राइस में खरीदने के लिए तैयार है बेसिक डॉलर इंडेक्स पे जो भी करेंसीज होती है, जो भी इसमें लेन देन होता है उस फील्ड में, ओके। बट यहाँ से थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, बिकॉज मेरे पास सिर्फ 15 सेकेंड लेफ्ट है, ओके, बट प्रॉफिट हो सकता है, तो अंत तक देखिए, ठीक है ना, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस बीच बहुत सारी नॉलेजेस आप लोग को शेयर की जा सकती है, ठीक है। बाकी गाइस आपको आगे और क्या चाहिए, क्या करना है, आप लोग को किस पे वीडियो चाहिए, किस इंडिकेटर पे, किस स्ट्रेटजी पे वीडियो चाहिए, आप बताइए, ताकि हम उस पे आप लोगों के लिए वीडियो बना पाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आप लोग को 3 ट्रेड ओपन करके दिखा दिया था, ये हमारी वेडनेसडे की मॉर्निंग की कुछ ट्रेड्स हैं जो हमने आप लोग के सामने ओपन करके दिखा दिया, ओके। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा, और ये वाली जो एमएसडी की स्ट्रेटजी है वो आपको समझ आई हो। एक्यूरेसी देखिए, तो हमने 3 ट्रेड ओपन करा, तीनों हमारा प्रॉफिट में गया, तो यहाँ से अपन हम एक्यूरेसी पकड़ सकते हैं 100%, ओके। बट 100% ऐसे ही नहीं हो जाता गाइस, आपको क्या करना है, आपको पहले डेमो में प्रैक्टिस करना है, देन उसके बाद देखिए, अगर आप 100 ट्रेड ओपन कर रहे हो तो फिर देखिए कि कितना प्रॉफिट जा रहा है, जितना प्रॉफिट जा रहा है उतना आपका परसेंटेज है, उतना आपका एक्यूरेट रेशियो है, ठीक है। यहाँ पे गाइस मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आपको मिलता है कुछ स्ट्रेटजीज, ओके, जैसे ही आप नीचे आओगे ना, यहाँ पे आपको स्ट्रेटजीज मिलेगा। स्ट्रेटजीज में गाइस आप अवेलेबल क्या है, ठीक है, मेरे पास 24 है स्ट्रेटजीज पे, मैं अभी तक तो इसको यूज़ नहीं किया हूँ,
अगर आप लोग का कमेंट आता है तो मैं आप लोगों के लिए इसे रिव्यू ज़रूर करूँगा। ठीक है, मैंने अभी तक इसका यूज़ नहीं करा बिकॉज मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आप लोगों में से मैंने कई लोगों का कमेंट नोटिस किया है। आप में से किसी भाई ने कमेंट किया था कि सर स्ट्रेटजीज क्या होती है उसके बारे में बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज दिखेगी, कहीं जापानीज पैरल है, जापानीज ट्रेड है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेगी। ठीक है, देखो अगर आपका स्टार्टर लेवल है तो ये जितना ब्लू वाला दिख रहा है ना गाइस वो आपको मिलेगा। अगर आपका एडवांस्ड लेवल है तो जितना ये ग्रीन वाला दिख रहा है ना गाइस वो मिलेगा। लेकिन अगर आप एक एक्सपर्ट होल्डर हो, ठीक है, एक्सपर्ट अकाउंट होल्डर हो, तो फिर आपको ये सभी चीज़ मिलेगी जिसे आप अप्लाई करके प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, ये ऐसा नहीं गाइस कि आपको 100% देगा, बट एक इंडिकेशन दे सकता है कि हाँ मार्केट अभी ऐसा था तो मार्केट कुछ टाइम तक ऐसा रहेगा, क्योंकि हम भी जो ट्रेड्स ओपन करते हैं ना गाइस वो इसी की बदौलत ट्रेड ओपन कर पाते हैं। सो कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्या इन सब चीज़ पे चाहिए। अगर हाँ तो फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के जरूर आऊंगा। और मुझे कॉमेंट आया था कि पीकॉक के ऊपर कुछ वीडियो बताइए। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी को मैं आप लोग को बता दूंगा लाइव यूज़ करके। ठीक है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, बिना मेरी वीडियो देखे करना चाहें तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा वीडियो जो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख सकते हैं ऑलम ट्रेड। बाकी गाइस आई होप आप लोग को इस वीडियो से थोड़ा बहुत जानने को देखने को सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आएगा उसे प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लाइव जाए या फिर कुछ की भी एक्टिविटीज हो हमारी यूट्यूब वीडियो पे या फिर यूट्यूब चैनल पे वो आप लोग को पहले पता चले। ठीक है, कहीं पे भी जाके सर्च नहीं करना है आपको। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, बाकी गाइस इस वीडियो पे इतना ही। आपको अगर कोई चैलेंज देना है तो कमेंट पे मेंशन कर दीजिएगा, एंड जल्द से जल्द हमारा जो 30K का क्यूरियोसिटी है उसे कम्प्लीट करवाइए, देन आप लोगों के लिए जो हमने टारगेट सेट किया है वो हम अचीव करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, बाकी गाइस इस वीडियो पे इतना ही, अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।